लघुतम समाप्त वर्त की। एक राजा जंगल में अपने मंत्री के साथ शिकार करने गए। वे थककर एक तालाब के किनारे बैठ गए। वहां पर उन्हें एक मेढक और एक मेढकी दिखे। मेढक हर बार 2 फुट कूदता था और मेढकी हर बार 3 फुट कूदती थी। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या दोनों कभी एक समान दूरी पर मिलेंगे? अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, राजा गरज कर बोला। क्या तुम बता सकते हो इसका उत्तर? मेढक, यह हर बार 2 फुट कूदता है तो यह 2, 4 और 6 पर कूदेगा, और मेढकी 3 फुट कूदती है तो यह 3 के बाद 6 पर कूदेगी, तो 6 पर वो दोनों मिलेंगे। उसके बाद मेढक 8 और 10, 12 पर कूदेगा, और मेढकी 9 और 12 पर कूदेगी, तो वो दोनों 12 पर भी मिलेंगे। उसके बाद मेढक 14, 16 और 18 पर कूदेगा, मेढकी उसी तरह से 15 और 18 पर कूदेगी, वहां पर भी वो दोनों मिलेंगे। मंत्री ने बताया कि मेढक तथा मेढकी 6, 12, 18 आदि पर मिलेंगे। इस तरह मंत्री ने अपनी जान बचाई। हमने जाना कि 2, 4, 6, 8, 10 आदि 2 के अपवर्त्य हैं, 3, 6, 9, 12 आदि 3 के अपवर्त्य हैं, 6, 12, 18 दोनों के सम अपवर्त्य हैं, जिनमें से सबसे छोटा लघुतम सम अपवर्त्य 6 है। अतः 2, 3 का लघुतम समापवर्त्य ल स 6 है।